नमस्कार, मैं हूँ सिकंदर शेखर और आप सभी का स्वागत है ई रेडियो इंडिया के स्पेशल एपिसोड में। जैसा कि हर बार हम जिक्र करते हैं कि जब भी हम इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ेंगे तो कहीं न कहीं नए मसले को लेकर जुड़ेंगे, तो ऐसी ही कोशिश में आज जिन मसलों को लेकर आज मैं आपके बीच जुड़ रहा हूँ, ये मसला बेहद महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि सरकार की निगाहें इस पर नहीं है। जिस तस्वीर को आज हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो तस्वीर सत्ता के साथ साथ देश में जो तमाम बड़े बड़े नेता हैं या फिर देश में वो तमाम संगठन जो ये दावा करती है कि मैं देश के लिए बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, उन्हें ये आवाज पहुंचा सकूं ई रेडियो इंडिया के माध्यम से। ई रेडियो इंडिया पर जब भी मैं जुड़ा हूं हमेशा मेरी कोशिश रही है कि ऐसे विषय को लेकर आऊं जो विषय आपसे जुड़ा हो, और सबसे महत्वपूर्ण ये जिस पर सरकार की जो ध्यान है वो बहुत कम, खासतौर पे बहुत कम जाती है। तो चलिए अब हम सीधे उस तस्वीर को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिस तस्वीर के जरिए आप समझ सकते हैं कि इस देश में गुमशुदा की जो स्थिति कह ले या फिर हालात कह ले वो है क्या, और इसी मौजूदा दौर में सरकार कहां पर नजर आती है। लेकिन इसके साथ आपको भूलना नहीं चाहिए कि ये जो देश है, इस देश में एक ऐसे लोकप्रिय नेता हैं जिनकी डंका पूरे विश्व में बजती है, और जब नेता की डंका अगर पूरे विश्व में बजने लगे तो आपको जनता की स्थिति पर जाने की जरूरत है। और जनता की स्थिति क्या है, इस देश के पास बार बार जिक्र किया जाता है कि पुलिस प्रशासन जो है अपने कामों को बहुत बेहतर करने की कोशिश में नजर आती है, लेकिन आज जिस पन्ने के जरिए जिस तस्वीर को दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, इस तस्वीर से आज साफ हो जाएगा कि पुलिस प्रशासन अपनी स्थिति से सीख नहीं रही है। पुलिस प्रशासन अपने मौजूदा दौर की जो तस्वीर कह ले या फिर जो विकसित कार्य करने के तरीके कह ले, चाहे आप साहब टेक्नोलॉजी का जिक्र कर लीजिए, डिजिटलाइज करने का जिक्र कर लीजिए, कंप्यूटर पे सारी चीजों को अपडेट करने का जिक्र कर लीजिए, या फिर आम जनता को साफ तौर पे मदद करने का जिक्र कर लीजिए, ये तमाम जगह पे जिस आंकड़े को आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं आपके बीच, उसके जरिए ये साफ सिद्ध हो जाएगा कि पुलिस प्रशासन अपने रवैया से कोई रुख बदलने वाली नहीं है। और ये चर्चा खासतौर पे महत्वपूर्ण और हो जाता है तब जब गृह मंत्रालय इस पेशकश में सामने नजर आता। इस मंत्रालय पे आज हम नजर डालेंगे, लेकिन इसके पहले आपको जानना पड़ेगा कि गृह मंत्रालय में इस वक्त अमित शाह जी हैं और उनके साथ इस वक्त नित्यानंद राय हैं। लेकिन ये लोग कर क्या रहे हैं, मौजूदा दौर की अगर तस्वीरों पर नजर डाले तो जो आंकड़ा है गुमशुदा व्यक्ति की इस भारत में, साहब 2021 के दौर में हम आ गए हैं, लेकिन अगर भारत कहे कि साहब आपके पास 2019 का डेटा है, मंत्रालय के पास जवाब है नहीं है, 2020 का डेटा है, अमित शाह कहेंगे नहीं है, आम जनता को हमने नहीं बताया, क्यों नहीं बताया साहब, क्या ये आपका काम नहीं था। इस देश में आखिर ऐसा कौन सा सिस्टम काम कर रहा है जिस सिस्टम के जरिए हम कहते हैं कि आज अगर एफआईआर दर्ज होती है तो उस संख्या को दर्ज करने में आपको साहब 2-2 साल लग जाते हैं, ये कौन सा कंप्यूटर पे आपका काम हो रहा है। इन बातों का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड का जो खाका कह ले या फिर जिस फहरिस्त में ये तमाम चीजें दर्ज होती है, जिस लिस्ट में दर्ज होती है, वो लिस्ट आम जनता से बहुत दूर है। और मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब मैंने परत दर परत खंगालने की कोशिश किया तो मालूम चला कि 2016 का डेटा है, 2017 का डेटा है, 2018 का है, लेकिन 24 आवर्स काम करने वाले मोदी सरकार और देश के जो तमाम दिग्गज नेता कह ले, हस्ती कह ले, मंत्री संतरी कह ले, ये तमाम लोग 24 आवर्स काम करते हैं ना आम जनता के लिए। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य देखिए कि 2019 का डेटा नहीं है गुमशुदा व्यक्तियों की। लेकिन इसके साथ अब मैं चाहूंगा कि जरा उस तथ्यों को आपके बीच रखूं जिस तथ्यों के जरिए आप समझ सके कि ये देश में पुलिसिया व्यवस्था कह ले या फिर एक ऐसा सिस्टम कह ले जिस सिस्टम के जरिए आम जनता की जिंदगी खास तौर पे सुरक्षित हो सके। आज मैं सबसे पहले जिक्र करूंगा इस देश में महिलाओं की जो संख्या है, जो गुमशुदा महिला है, उनकी संख्या
2016 के अनुसार अगर देखने की कोशिश करें तो तकरीबन 2,90,439 लोगों की संख्या है, 2 लाख के ऊपर है, लगभग 3 लाख के करीब है। 3 लाख लोग 2016 में इस देश से गुमशुदा पाए जाते हैं, 3 लाख के लगभग। 2017 पे नजर डालें तो ये आंकड़ा 3,05,000 के आसपास चला जाता है। 2018 पे नजर डालें तो इस देश में गुमशुदा व्यक्ति की जो संख्या है तकरीबन 3,47,524 के आसपास है। लेकिन इन तथ्यों पर नजर डालने के साथ साथ आपको समझना पड़ेगा कि इन्हीं आंकड़ों में वो महिलाओं की भी संख्या है जो सबसे ज्यादा गुमशुदा में दर्ज है। 2016 में नजर डालें 1,74,021 महिलाओं की संख्या है जो गुमशुदा है। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य देखिए कि जब 2016 से 17 में जाते हैं तो यही संख्या 1,88,382 हो जाती है। आप इस अंतर को समझिए, 1,74,000 2016 में, 2017 में 1,88,000। लेकिन 2018 का जब जिक्र होगा तो पुलिसिया व्यवस्था कहती है कि साहब इन आंकड़ों के जरिए हम अपनी व्यवस्था को बेहतर करते हैं। तो 2018 में पूरे साल में 3,47,524 व्यक्ति गुमशुदा पाए जाते हैं, तो महिलाओं की संख्या इन्हीं आंकड़ों में 2,23,621 के करीब होता है। अब आप समझिए कौन सा वो आंकड़ा है जिस आंकड़ों के जरिए पुलिसिया व्यवस्था कहने या फिर गृह मंत्रालय के जरिए वो तमाम योजना को इस देश में विकसित करने की कोशिश की जा रही है जिसके जरिए आम जनता की जो जिंदगी है वो सुरक्षित हो सके। ये गुमशुदा का पूरा खेल क्या है, कौन किडनैप कर रहा है? कहीं एक समय था कि वो लकड़ी सुंघाने वाले, मोदी जी भी कई बार इलेक्शन में जिक्र करते थे कि साहब उनकी सरकार में तो इस तरह की काम होती थी। लेकिन मोदी जी ये सवाल तो आपकी सरकार में उठ रहा है, क्योंकि देखिए साहब मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 3,47,524 व्यक्ति 2018 में, तो ये आंकड़ा ये सामान्य सी आंकड़ा नहीं है। आप एक साल में अगर इतने लाख व्यक्ति को अगर गायब होने देते हैं, पुलिस प्रशासन जस की तस पड़ी रहती है, तो इससे देश नहीं चलेगा। और इसके साथ ये तो महिलाओं की स्थिति, महिलाओं की स्थिति पर मैंने खास तौर पे जिक्र किया कि साहब जिस तरीके का ये माहौल बन रहा है ये बहुत बेकार कह ले, या फिर मैं कहना चाहूंगा इसके साथ अगर आप बच्चों की स्थिति पर अगर नजर डालेंगे, गुमशुदा बच्चे अक्सर आप स्टेशन पे जाएंगे तो आपको उस रास्ते में मिल जाएगा, कभी आप हॉस्पिटल जाइए वहां पे मिल जाएगा, ब्लॉक में जाइए नोटिस बोर्ड पे वो फोटो लगा मिल जाएगा। तकरीबन कोशिश यही होती है कि साहब इस देश में पुलिस प्रशासन की व्यवस्था कैसे सुधरे, कौन सुधारेगा? एक के बाद एक नेता बदलते जाते हैं लेकिन स्थिति नहीं बदलती है। मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस देश ने 2016 में लगभग 63,407 बच्चों को गुमशुदा देखा, लेकिन 2017 में यह आंकड़ा तकरीबन 63,349 के करीब था, लेकिन 2018 में यही आंकड़ा 67,134 पे पहुंच गया। लेकिन बीजेपी वाले राज्य में अगर आप जाएंगे जहां पर मोदी जी के साथ जबरदस्त इनिंग की शुरुआत हो रही है, तो ऐसे में मध्य प्रदेश पर आपकी निगाहें सबसे पहले जानी चाहिए। 2018 में बच्चों की जो गुमशुदा की जो तस्वीर जिन आंकड़ों के जरिए आपको समझना चाहिए, वो 10,038 बच्चे गुमशुदा पाए गए 2018 में। इसके साथ अगर आप बिहार में जाएंगे तो बिहार की भी स्थिति साहब बहुत दयनीय है। आप समझिए 6,950 बच्चों की संख्या इसमें दर्ज होती है। इसके साथ बीजेपी वाले अगर राज्य में जाएंगे तो तमिलनाडु भी दर्ज है। उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में अगर आप नजर डालने की कोशिश करेंगे तो 2018 में तकरीबन 3,306 बच्चे गुमशुदा नजर आए। इन आंकड़ों के जरिए आखिर पुलिस प्रशासन किस तरह की रुख इख्तियार करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तो ये कि ऐसे विषय पर कभी आम जनता
ना तो कभी बात करती है ना कभी बात करते नजर आती है। एक बड़ा सवाल है जो ई रेडियो इंडिया के इस मंच पर आज मैं रख रहा हूं और मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले दिनों में हर उन पहलुओं पर हम और आप मिलकर चर्चा करें जिन पहलुओं के जरिए एक बेहतर भारत की तस्वीर हम स्थापित कर सके। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।